आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे सामने हैं। इसके लिए मैंने एक कप खुश्क दूध लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं, और मैंने ये एक कप खुश्क दूध लिया है। डेढ़ कप मैंने चीनी ली है, इसके साथ साथ मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, एक कप मैंने पानी लिया है, 1/4 कप मैंने दूध लिया है, मिल्क लिया है, इसके साथ मैंने कुछ गार्निश के लिए बादाम पिस्ते लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। इसके साथ साथ कुछ इलायची है, कुछ मैंने इलायची को सफ़ूफ बना लिया, पीस के एक जगह रख लिया, और इसी तरह मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया है। आप डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे वो घी ले लें। तेल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे और उसके अंदर हम ये जो हमने 1 कप दूध रखा था ये डालेंगे। अच्छा, इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इसके साथ हम इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। और हम जो हमने घी रखा था 3 टेबल स्पून इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे, 1, 2 और 3। अब हम इसको गूंदेंगे हम इसको मिल्क के साथ। पहले हम इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये लग जान जाए, एक जैसे हो जाए। अच्छा, इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करते जाएंगे। वैसे भी हमने 3 टेबल स्पून ही दूध लिया है, तो हम इसको इसके अंदर डालते जाएंगे और डो हमारी बनती जाएगी, ना बहुत सॉफ्ट बनाए ना बहुत टाइट, नॉर्मल। इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और अपने गुलाब जामुन तैयार करेंगे। इतनी देर में हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। हमारा थोड़ा सा भी सख्त है तो हम ये जो दूध हमारा बचा हुआ है वही हम शामिल कर देंगे। अब सब तरफ से इसको नीट कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। हमारी डो रेडी हो गई है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम इसके दरमियाने साइज़ के बॉल बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत मीडियम लो पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं करेंगे। सबसे पहले हाथ को थोड़ा सा हाथ में वाइल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे, और उसके बाद इनको बनाते वक्त ये हो कि इनका जिस तरह हम बनाएंगे ये क्रैक ना पड़े इनके ऊपर, बिल्कुल ये गोल और चिकने आप जैसे देख गोल और चिकनी हो, इसमें कहीं क्रैक नहीं आना चाहिए उसमें लग। ठीक है, चलो इस तरह बनाते जाए सारों को। दूसरी लें वो भी इसी तरह बनाएं, अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, और इसको सबसे पहले आप कोफ्ते की तरह इसको गोल करें और इसी तरह बनाएं ताकि ये बिल्कुल गोल गोल बने। और अगर कहीं से भी क्रैक आ रहा हो तो चलें, हमारी सारे बॉल जो है मुकम्मल हो गए, अब इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम रखेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, और ये थोड़ी देर में खुद ऊपर आएंगे, इनको अभी चलाना हिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी देर में। बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप पानी शामिल करेंगे, और पानी के साथ हम इसके अंदर जो हमने 1.5 कप चीनी ली थी वो शामिल करेंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, आप इसमें फ्लेम थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे, हमने लो रखी थी, लेकिन अब इसके साथ साथ 5-6 दाने हम इसमें इलायची के डालेंगे और इसको हम थोड़ा पकाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि इसके साथ ये फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो है ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा डालती हूँ, आप डालें तो भी और नहीं तो भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इससे कोई ख़ास वो नहीं है। मैं डालती हूँ इसलिए मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करें और इसका शीरा तैयार कर लें। शीरा तैयार करने में ये है कि चीनी खूब मिक्स हो जाए तो शीरा तैयार है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब थोड़ी देर आप इसको मिक्स करें, शीरा तैयार हो जाए तो चूल्हे को थोड़ा स्लो करके। अच्छा, शीरा हमारा रेडी हो चुका था तो हमने इसको बंद कर दिया था। इतनी 10 मिनट हो गए जब हमने इसमें अपने गुलाब जामुन डाल दिए तल फ्राई होने के लिए, तो हमने शीरे को दोबारा लो फ्लेम पे ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे
शीरे में डालने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसको ढक ढक देंगे और आधे घंटे के बाद फिर गुलाब जामुन को रखे हुए शीरे में आधा घंटा हो चुका था तो हमने इनको निकाल दिया है और निकालने के बाद थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर शीरा डालिए। मैंने थोड़ा सा शीरा अलग से भी इसके लिए बनाया है, ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब हम इनको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। चाहे तो आप ऐसे ही रख दें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास बादाम पिस्ते थे तो मैंने इनको थोड़ा सा गार्निश कर लिया, वैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं। लीजिए भाई, हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं और आप देखें कितने शानदार बने हैं। इन्जॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप भी बनाएं।